नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, लेकर आया हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आंख कान खोल के बस आप अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक जीता। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी, 20 मिनट तक वो निशाना ही नहीं लगा पाई। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। मनु निराश थी लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिला दिया। इस इवेंट में कोरिया की ओह ये जिन ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 243.2 पॉइंट के स्कोर करके ओलंपिक रिकॉर्ड बना लिया। कोरिया की ही किम येजी ने सिल्वर मेडल जीता, उन्होंने 241.3 पॉइंट बनाए। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। यह शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो लगातार देश भर से और विदेश से भी भारतीयों की तरफ से मनु भाकर के लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। पहली भारतीय महिला बनी है। टोक्यो में जो गलती उनकी पिस्टल खराब होने से सामने आई थी उसको उन्होंने इस बार दरकिनार कर दिया और मेडल जीता। पहले 3 में आई हैं विश्व में ओलंपिक में। मनु भाकर की दादी ने कहा कि जब उनकी पोती घर आएगी तो उसे गोल्ड गिफ्ट करेगी। क्या कहूँ, आशीर्वाद हो। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे? हाँ करांगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम निकाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी और क्या करूँ। कुछ ठीक है ना बेटी के लिए? हाँ पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, यही आओगी जब बनाऊंगी। उधर मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने कहा कि जब टोक्यो में मेडल चूका तब मनु शूटिंग छोड़ने वाली थी। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहां जाए ना वहां से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रही है? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही वैसा ही महसूस कर रही हूँ। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहां जाए ना वहां से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही वैसा ही महसूस कर रही हूँ। उधर मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने कहा कि पूरा देश खुश है, उसके 2 इवेंट बचे हैं और हमें उम्मीद है कि वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हो मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कुलीग ज्यादा खुश हैं। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। इसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में मनु को जहाँ पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी, टॉप्स एक डिपार्टमेंट है वहाँ से, स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है और OGQ उनको मदद करती है और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफ़ी बूस्टअप है और देशवासियों की दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाएगी। क्या दादी, क्या माँ और क्या पिता, मनु भाकर को लेकर सबके दिल में उद्गार हैं, सबके दिल में बातें हैं, सब धन्यवाद देते नहीं इस वक्त चुप हो रहे, लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि मनु ने जो किया वो पूरे देश को गर्व से भर दिया है। और पिता का तो ये कहना है कि 2 इवेंट बाकी हैं, यानी पिता कह रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं
कि अभी तो ब्रॉन्ज मेडल वाला रंग सामने आया है, आगे ये रंग मेडल के रूप में बदल भी सकता है। दादी इस वक्त लड्डू खिलाने के लिए जिद करती हुई दिखाई पड़ रही है कि कोई तो लड्डू खाओ, मेरी बेटी ने, मेरी पोती ने इस वक्त मेडल जीत लिया है। पहली महिला बनी है जिसने शूटिंग में मेडल जीता है। भारत का ये 5वां मेडल है और मनु भाकर के चेहरे की खुशी बता रही है कि इससे जो बूस्ट मिला है, जो मोराल हाई हुआ है, जो अंदर से एक ताकत मिली है, वो आगे आने वाले 2 इवेंट में और बेहतर प्रदर्शन सामने रखेगी। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि मनु भाकर केवल अकेले ब्रॉन्ज के साथ भारत वापस ना आए, वो इसके साथ और भी मेडल के साथ भारत लौटें और उन मेडल का रंग ब्रॉन्ज से अलग होगा। तो घर परिवार इस वक्त खुश है। दादी कह रही है कि घर आएगी तो हम सोने का जेवर देंगे, सोना देंगे उसे, लेकिन अभी पिता का कहना है कि 2 इवेंट तो बचे हुए हैं, तो 2 इवेंट में रंग भी बदल सकता है और मेडल भी। तो मनु भाकर और उसके परिवार के दिल में इस वक्त खुशियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मनु भाकर और उसके परिवार को बधाइयां दी हैं। मनु भाकर को भी बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उन्होंने पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। जहाँ तक शूटिंग की बात है, राज्यवर्धन सिंह राठौर को कोई भूला नहीं होगा जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जब गोल्ड मेडल जीता था, तो व्यक्तिगत अपनी बात बताऊं तो मैं रास्ते में था और जब मुझे ये पता चला कि गोल्ड मेडल जीत लिया है तो मुझको भी बहुत खुशी हुई थी। और तब के जो लोग हैं वो शूटिंग के उस सोने की चमक अभी तक याद रखे हुए हैं। और वही मधु भाकर ने इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल जीत कर दिखा दिया है। कल से लगातार जब पॉइंट्स आ रहे थे मनु भाकर के, तो समझ में आ रहा था कि मनु भाकर एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने विश्व के 3 प्रमुख 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में उन्होंने 3 सर्वश्रेष्ठ 3 में अपना नाम दर्ज करा लिया। मनु भाकर को आप तस्वीरें देख रहे हैं और परिवार की तस्वीरें आप लगातार इस वक्त देख रहे हैं। दादी कह रही थी उम्मीदों से वो गई थी और अब लौटेगी तो हम सोने से ला देंगे। और अब टॉप 7 ट्रेंडिंग वीडियोस जो दिन भर चर्चा में रहे।